अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज्यादा मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप है। हर बंदा ही व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, इसी हवाले से हर बंदा रबते में है। बार बार दोस्तों को मैसेज भी करने पड़ते हैं, उन्हें वीडियो कॉल भी करनी पड़ती है और भी ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जिसको मैसेज कर रहे हैं या जिससे बात करना चाहते हैं वो बंदा मसरूफ है, हमें जवाब नहीं दे सकता, या आप मसरूफ हैं और किसी बंदे को फौरन जवाब नहीं दे सकते, आपके पास इतना वक्त नहीं है। आप ये भी चाहते हैं कि दूसरे बंदे को इन्फॉर्म कर दें कि मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप बगैर लिखे दूसरे बंदे को रिप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मसरूफ हूँ, आपसे बाद में रब्ता करूँगा। दोस्तों जिस एप्लीकेशन की हम बात करने जा रहे हैं उसको ऑटो रिप्लाई कहते हैं। जैसे ही आप वो इस्तेमाल करेंगे आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली खुद दूसरों को मैसेज भेजेगा, रिप्लाई करेगा और बताएगा कि आप इस वक्त मसरूफ हैं और अभी बात नहीं कर सकते, जैसे ही आप फारिग होंगे तो रब्ता कर लेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलें दोस्तों जानते हैं कि किस तरह आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों अगर आप मसरूफ हैं और आप ये चाहते हैं दूसरे बंदे को आप जवाब भी दें, आपका व्हाट्सएप खुद ब खुद रिप्लाई करेगा, तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने यहाँ पे दोस्तों सर्च में लिखना है व्हाट्सएप ऑटो, जैसे मैंने लिखा हुआ आपने इस पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यह जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब बाईं तरफ देखें आपको चार खाने बने हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, वो आपको बता देगा कि किस किस ऐप में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका ऑटो रिप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपने होम पे क्लिक करना है। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे ऑटो रिप्लाई ऑफ है, आपने ऑन कर लेना है। ऑन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने ऑटो रिप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखें नीचे लिखा हुआ ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट, आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अस्सलाम वालेकुम, दोस्तों मैंने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने गुड के निशान पे और कुछ नहीं करना, आपने गुड के निशान पे ओके करना है। दोस्तों आप ये सेटिंग करने के बाद आप होम के साथ देखें कॉन्टैक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं हर बंदे को जो भी आपके पर्सनल में मैसेज करता है उसको रिप्लाई हो, तो आप एवरी वन पे क्लिक कर दें। अगर आप ये चाहते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है जितने भी आपके पास नंबर हैं वो मैसेज करें तो उनको रिप्लाई हो, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कर दें। इसी तरह आपने दोस्तों आप यहाँ पे नीचे सबसे देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा इनेबल ग्रुप्स। अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रुप्स में भी इस तरह आपका रिप्लाई हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप ऑन ना कीजिएगा क्योंकि ग्रुप्स में बार बार मैसेज आते हैं। अगर आपकी तरफ से बार बार रिप्लाई होगा तो हो सकता है वो दूसरे बंदे आपको रिमूव कर दें, आपको ग्रुप से ही निकाल दें, लोग भी तंग होंगे, लिहाजा आपने इसको इनेबल नहीं करना। तो सो ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना, बंद कर देना, बस इतना सा काम है। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कोई अच्छा पैगाम दें, अच्छी कोई हदीस आप दूसरे बंदे को शेयर करें, कोई कुरान की आयत शेयर करें, इसी तरह आप कोई अच्छा कॉल, कोई किसी हाबी की बात, कोई भी अच्छा पैगाम या आप अपना बता सकते हैं कि आप इस वक्त मसरूफ हैं, बाद में रबता करेंगे, ये भी आप दूसरे बंदे को बता सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई को ऑन कर लें। दोस्तों तजर्बे के तौर पे हम देखेंगे यहाँ से मैसेज करके कि ऑटो रिप्लाई आता है कि नहीं। हम यहाँ पर फिर लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम और फिर देखेंगे हमारा ऑटो रिप्लाई होता है या नहीं। अब ये देखें मैसेज चला गया है और उसके मैसेज के जवाब में फ़ौरन ऑटो रिप्लाई आ गया अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मैंने अस्सलाम वालेकुम में ऑटो रिप्लाई में दर्ज किया हुआ था, लिहाजा अस्सलाम वालेकुम ही आया है। आप भी ये इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ौरन ही ऑटो रिप्लाई दूसरे बंदे को मैसेज पहुँच जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।